गाइस, ये रामेश्वरम मंदिर का जो है नॉर्थ गेट है, जहाँ से जो है समुद्र में स्नान के बाद जो है इस मंदिर में प्रवेश का जो है रास्ता है, और यहाँ से ही जो है प्रवेश के बाद जो है समुद्र से जो है स्नान करके आ चुका है और इस मंदिर में प्रवेश का जो है वेट कर रहा है। और इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद भी जो है एक 22 कुंड स्नान है, वहाँ भी जो है स्नान करना होता है, उसके बाद जो है दर्शन। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इस गेट का जो है खूबसूरत नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत। गाइस, यह है हिंद महासागर है, और रामेश्वरम मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो है हिंद महासागर में जो है स्नान करना होता है, जो कि मंदिर के कुछ ही दूरी पे है। और इस हिंद महासागर में स्नान करने के बाद मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, और प्रवेश करने के बाद भी जो है वहाँ पे 22 कुंड है जहाँ पे स्नान करना होता है, और 22 कुंड स्नान के बाद जो है आप दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं ये सभी श्रद्धालु जो है स्नान का इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत सारे श्रद्धालु जो है स्नान कर रहे हैं, और स्नान करने के बाद ही जो है मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। गाइस, स्नान के बाद जो है आ चुके हैं मंदिर परिसर का जो है लाइन पे, और इस लाइन से जो है धीरे धीरे अंदर की ओर जाएंगे। बहुत लंबी लाइन है, कितना देर के बाद जो है प्रवेश मिलता है। गाइस, ये जो है रामेश्वरम मंदिर का जो है 22 कुंड में जो स्नान करना पड़ता है, जैसा कि देख सकते हैं ये रामेश्वरम। बात जो है मंदिर से बाहर आ चुके हैं।